नमस्ते बच्चों, बलराम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखो, आज अपन यहाँ पर रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, और ये जो रिएक्शंस मैं जितने भी बता रहा हूँ फिलहाल, आज मेरी एक तरह से दूसरी तीसरी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो अपना एक यूनिट नंबर थर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, BSc सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शन। तो उनमें एक ये रिएक्शन है, बेंजोइन कंडेंसेशन, कैनिजारोबी क्रिया, परकिन, नोवेंजेल, तो बेरिल ऑक्सीडेशन, काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो अपन बोलते हैं ना कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्शन देते हैं, वो कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं। तो अपन को पता है कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभिक्रियाएं देते हैं, नाभिक नहीं, योगात्मक अभिक्रिया। तो उन्हीं अभिक्रियाओं से एक अभिक्रिया आज अपन पढ़ने वाले हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन। मैं आपको पहले बता दूं, आप लोग लिखने में ध्यान मत देना, बाद में लिख लेना अगर लिखना हो तो। पहले एक बार समझो, समझने के बाद अपने आप लिख पाओगे। ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन इस अभिक्रिया में होता क्या है, ये बोला जाता है। इस अभिक्रिया के अंदर जो बेंज एल्डिहाइड के जो अणु हो, दो बेंज एल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल है, वह रिएक्शन करते हैं KCN, ये बोला जाता है जलीय एथेनोलिक KCN के साथ रिएक्शन करते हैं, तो बेंजोइन बनता है। इसमें क्या बनता है? बेंजोइन। इसलिए इस अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन देखते हैं। तो पहले अपन इसकी अभिक्रिया देखेंगे, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, कि क्या होता है। तो इसमें ये बोला जाता है, अब लिखने में क्या लिखोगे, जो अपने यहाँ पर रिएक्शन में करते हैं वही तो लिखते हैं, तो आप लोग आराम से लिख सकते हो। तो मैंने बोला कि इसमें क्या होता है, दो बेंज एल्डिहाइड के मोलिक्यूल जलीय एथेनोलिक KCN विलियन में, जलीय एथेनोलिक KCN के साथ अभिक्रिया करके बेंजोइन देते हैं। तो वो कैसे देते हैं, देखो इधर, ये अपने बेंज एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हो गए, दो बेंज एल्डिहाइड अणु, एथेनोलिक, जलीय एथेनोलिक। अभी जलीय एथेनोलिक क्या होता है, एथेनोल के अंदर वाटर मिला देते हैं, जिसको बोला जाता है जलीय एथेनोलिक, और इससे रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं, बेंजोइन बनाते हैं। ये जो मॉलिक्यूल मिला मुझे, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, बेंजोइन। ठीक है, तो ये अपना हो गया बेंजोइन, और इस अभिक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, बेंजोइन संघनन। तो आप लोगों ने देखा होगा इसमें होता क्या है, दो बेंज एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके संघनन करके क्या बनाते हैं, बेंजोइन बनाते हैं। अब इस बेंजोइन की मैकेनिज्म क्या है वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, इस अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है उसको अपन अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं, आराम से समझ में आएगी। देखो इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है, क्रिया विधि में अपन को पता है जो अभिक्रिया है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ KCN में हो रही है, और अपन को पता है KCN एक आयनिक कंपाउंड होता है, तो ये टूटेगा K प्लस और CN माइनस में, और जो CN माइनस अपना वो क्या है, यहाँ पे नाभिक स्नेही है। क्या अपना नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल है ना, क्योंकि अपन को न्यूक्लियोफाइल तो चाहिए रिएक्शन के अंदर। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो क्या करता है, एक बेंज एल्डिहाइड के अणु के साथ रिएक्शन करता है। देखो कैसे, यहां पर इस साइनाइड का टेक होता है येलो, तो ये जो योग हो रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो रही है, कार्बन कार्बन पर नाभिक स्नेही अटैक हो रहा है, ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, और ये कार्बन कार्बन क्या है, अब देखना इस पर जो होने वाला अटैक है वो कैसे हुआ, C6H5O-CNH। ये बोला जाता है इस अभिक्रिया में अपन इसका यूज क्यों करते हैं KCN का, तो ये बोला जाता है कि जो KCN होता है ना, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है एक तो, ठीक है, और ये जब कार्बोनिल कार्बन के साथ लगता है तो उसके साथ जो हाइड्रोजन लगता है ना, उसकी एसिडिटी को बढ़ा देता है, उसकी अम्लता को बढ़ा देता है, और लास्ट में ये CN को अपन निकालना भी होता तो ये आसानी से निकल भी जाता है, तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है। तो इसका यहाँ पर रीजन पूछा जाता है कि यहाँ पर KCN ही क्यों यूज करते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन में, तो एक अच्छा नाभिक स्नेही होता है, ये कार्बन कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है उसकी अम्लता को बढ़ा देता है, एसिडिटी को बढ़ा देता है, और थर्ड वाला कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है, मतलब निकलने वाला समूह भी होता है। अब देखो इसमें यहां पर क्या होगा, इसमें H प्लस जोड़ते भी हैं और H प्लस निकालते भी हैं, एक तरह से प्रोटोन ट्रांसफर बोल सकते हैं, ये प्रोटोन यहां पर पहुंच जाता है, उसको अपन दिखाएं किस तरीके से, तो मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं कि एक निकाल रहा हूं एक जोड़ रहा हूं, तो इसमें ये हुआ
ये लो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए ना और ये H प्लस के रूप में निकल गया और एक H प्लस के रूप में मैंने यहाँ पर इसको जोड़ भी दिया। अब ये बोला जाता है यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा रेजोनेंस हो जाता है, इस रेजोनेंस के द्वारा इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, ये जो कार्बेनाइन है इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। इस तरह से ये अपना एक तरह से फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं इसको। अब जो सेकंड स्टेप अपना होता है उसमें देखना, स्टेप में क्या होता है कि ये जो अपना दूसरा एल्कोल सॉरी बेंजल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल होता है इसके ऊपर ये जो कार्ब एनाइन बनता है ना इसका टेक करवाते हैं अपन, इसका टेक करवाते हैं सी ओ एच सी सिक्स एच फाइव और ये लगा हुआ तुम्हारा सी एन, इसका टेक इस पर करवा देंगे। और ये जो स्टेप होता है ये होता है अपना स्लो स्टेप, क्या होता है स्लो स्टेप, और इसको अपन बोलते हैं आर डी एस, रेट डिटरमाइन स्टेप बोलते हैं इसको, ठीक है, वेग निर्धारक पद बोलते हैं। अब इस वेग निर्धारक पद में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर तीन अणु भाग ले रहे हैं, एक तो सी एन और दो बेंजाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, तो ये जो रिएक्शन है ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। अभिक्रिया की दर किस किस पर डिपेंड करती है, तो अपन बोलेंगे बेंजाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल और एक सी एन के का जो मॉलिक्यूल होता है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है और ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। तो यहाँ पर कार्बोनिल अटैक करवा दिया मैंने, तो इस तरह से रिएक्शन हुई है O माइनस एच सी एन ओ एच सी सिक्स एच फाइव। अब ये बोला जाता है यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। अब इस प्रोटॉन ट्रांसफर को मैं देखो जैसे ऊपर एक स्टेप लिखी थी मैंने निकलता और जुड़ता है, देखो यहाँ पर वैसे ही एक स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ कि यहाँ से तो H निकल जाए यहाँ जुड़ जाएगा, तो इसको एक जगह तो मैं H प्लस कर देता हूँ और एक जगह निकलना बता देता हूँ, होता कुछ भी नहीं, एक तरह से ये प्रोटॉन यहाँ पर आ जाता है। इसको अपन डायरेक्ट यह भी लिख सकते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर करके इसको इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं या ऐसे कर दिया एक बार, तो इसमें से तो निकल रहा है और इसके साथ जुड़ रहा है, ओ माइनस है ना यहाँ पे, तो इसके साथ जुड़ रहा है, तो अपन इसको ऐसे दिखा देंगे सी सिक्स एच फाइव ओ एच एच सी एन ओ माइनस सी सिक्स एच फाइव। अब इस स्टेप में क्या करना है अपन को, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये साइनाइड बाहर, मैंने बताया था ना कि जो साइनाइड होता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो अपन इसको आराम से निकाल देंगे, साइनाइड निकल गया यहाँ पर और यहाँ पर ये अपना बन गया सी सिक्स एच फाइव कार्बोनिल सी सिक्स एच फाइव, और इसको अपन क्या बोलते हैं बेंजोइन, क्या बोलते हैं बेंजोइन। इसकी जो क्रियाविधि है आप लोग आराम से समझ गए होंगे फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में क्या इसकी मैकेनिज्म होती है, कैसे रिएक्शन हुई, मुझे लग रहा है आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर इस अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं मैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पर डिपेंड करती है, तो इस अभिक्रिया की जो रेट है डिपेंड किस किस पर करेगी, तो अपन बोलेंगे बेंजाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स पर और साथ ही साथ सी एन पर, सी सिक्स एच फाइव सी एच ओ और जो सी एन है इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अपन बोलेंगे इस अभिक्रिया की सॉरी काइनेटिक्स कौन सी है, तो ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन कौन सी, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसमें अब पूछा जाता है इस अभिक्रिया के अंदर जो KCN होता है उसका यूज क्यों किया जाता है, तो KCN एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और साथ ही साथ अपन बोल देंगे कि जो कार्ब एनाइन बनता है ये वाला कार्ब एनाइन यहाँ पर रेजोनेंस हो जाता है और रेजोनेंस के द्वारा यहाँ पर स्थायित्व मिल जाता है इसको, और अपन बोल सकते हैं कि जो लास्ट स्टेप होता है उस लास्ट स्टेप के अंदर CN आसानी से कार्बन और सी ये उस वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है इसको तोड़कर निकल जाता है, तो अपन बोलेंगे एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। साइनाइड का यूज क्यों करते हैं, साइनाइड एक अच्छा नाम किस नहीं होता है, साइनाइड एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है मतलब निकलने वाला समूह होता है, साइनाइड कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसकी अम्लता को बढ़ा देता है, इसलिए अपन इसको साइनाइड को यूज करते हैं। अगर पूछ लिया जाए बेंजोइन संघनन अभिक्रिया में KCN ही क्यों यूज करते हैं, तो अपन ने KCN के फायदे बता दिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों को रिएक्शन समझ में आई होगी, ओके।